जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली आपके लिए काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर फौज में लगने के बाद में हम पढ़ाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या SSGD या CRPF में जॉब करके साथ में क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या नहीं। तो आज आपको मैं ये ब्लॉग वीडियो, मान लीजिए पहला मेरा इस टाइप का वीडियो है, आपको मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे बैरक के अंदर जो मेरे दोस्त रहते हैं उनमें से कौन कौन पढ़ाई करता है, क्या क्या पढ़ाई करता है उसके बारे में, साथ में बार किस प्रकार से हमने एडजस्ट कर रखा है उसके बारे में। दोस्तों काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मतलब परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं है, तो आपको उससे पहले सबसे पहले यहाँ से ये मैं शुरू करने का एक रीज़न भी है। आप एंड तक वीडियो देखिए, आपको मैं बताऊंगा कि मेरा बिस्तर मेरा क्या क्या सामान है मेरे पास में, वो सब कुछ दिखाऊंगा इस वीडियो में आपको, ताकि आपको पता चले किस प्रकार से हम रहते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर जो बाकी सारे जवान हो कैसे रहते हैं, कौन कौन पढ़ाई करता है इसके बारे में। साथ ही सबसे पहले यहाँ शुरू करने का जो मकसद है वो इसलिए कि आपको जो लोग बोलते हैं ना कि परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, परिस्थितियाँ कभी अनुकूल नहीं होती किसी की। अब देखो अगर परिस्थितियों से कैसे जीता जाता है, आप देखिए इधर यहाँ पेड़ पौधे लगाने की जगह नहीं है, देखिए इधर ये जगह बनाई है नहीं, जगह बनाई है, यहाँ कहीं जगह नहीं है पेड़ पौधे हैं, लेकिन हमारे मेजर है उनको पेड़ लगाने का शौक़ है, तो देखो उन्होंने इतने सारे पेड़ लगा दिए इधर छोटे 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 छोटे, तो ये जगह है नहीं बनाई गई है, यानी परिस्थितियाँ कभी आपके अनुकूल नहीं होगी। इधर आ जाओ और दिखाता हूँ आपको, इधर आइए देखो, इसमें हमने मंगाया था मटर पनीर, अब इसमें पेड़ है, ये रियलमी जूस पेड़ है, इसमें ये बकेट छोटी सी कलर की, यहाँ पे देख ली छोटे छोटे बाग, ये एक लकड़ी, एक बार ये दिखाऊँ, ये एक लकड़ी है बिल्कुल नॉर्मल सी, इसको देखो मेजर ने कैसे मॉडिफाइड करके किस प्रकार से बना दिया। अभी ये थोड़ा सा सूख गया है पेड़ ऋतु की वजह से, अब इसमें चेंज हो जाएंगे तो कुछ दिनों में, और आ जाइए इधर, ये बोतल, ये डब्बा, ये बोतल, तो देखिए ये तो 2 लीटर की बोतल है पानी की ठंडा मंगाई थी इसमें, अब इसमें पेड़ है प्यारा सा, तो ये देख लीजिए बोतल के अंदर किस प्रकार से पेड़ लगा रखे हैं। तो परिस्थितियाँ कभी अनुकूल नहीं होती है, जिसको जो करना होता है ना वो करता ही है। यहाँ मेजर का शौक था लगाने का, देखिए किस प्रकार से मॉडिफाइड करके बोतलों को लगाया है, मतलब ये उनका शौक होना चाहिए, आपको किसी चीज़ का करने का जज्बा होना चाहिए, जगह मैटर ये नहीं करते कि आपके पास में है नहीं। एक चीज़ और दिखाता हूँ, छोटी सी रह गई है, ये देखिए ये बोतल, फौज में तो ये बोतल अक्सर मिल ही जाती है आपको पता है, ये बोतलें तो पक्का मिल जाती है, तो बोतलों को देखो किस प्रकार से किया है। तो अब देखिए अब दिखाता हूँ आपको अंदर, जो दिन बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर अब टाइम मिलता है नहीं मिलता पढ़ने का, या कौन कौन मतलब पढ़ाई कर पाएंगे, आगे क्या होगा हमारा ट्रेनिंग होने के बाद में या ज्वाइनिंग करने के बाद में आगे फ्यूचर क्या होगा उसके लिए, चल आ जा, चलो रख चलो, वो आपको दिखाते हैं अंदर। अब रुकमान अभी छुट्टी गया हुआ है, मेरा दोस्त है ये, ड्यूटी की छुट्टी गया हुआ, अभी बिस्तर इसीलिए खाली है ठीक है, लेकिन आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ आपके काम की, देखिए ये देखिए पढ़ाई करने वाला कहीं पे भी पढ़ाई कर सकता है, बहानेबाजी नहीं, ये बुक मेरी है वैसे, लेकिन ये पढ़ता है इसलिए इसको दी हुई है, ये मेरी बुक है ठीक है, ये नोट्स है, ये CPO की तैयारी कर रहा है और साथ में NTPC की भी तैयारी कर रहा है, और भी आपको दिखाऊंगा, देखिए पहला ये जो बोलते हैं कि सर पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते, अब दिखाता हूँ आपको दूसरा ठीक है, चोरी छुपे दिखा रहा हूँ, ये ड्यूटी पे जवान इसलिए ठीक है, बताना नहीं किसी को, किसी को इसका कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक दोस्त ये भी है मेरा पढ़ता है, इसने देखिए बुक कहाँ लगा रखी है, मैंने पहले चेक किया था इसकी बुक कहाँ है, देखिए नोट्स गाइड ठीक है, ये देखिए नोट्स उसने बना रखे हैं, ये भी अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, CPO की तैयारी कर रहा है साथ में, ये देखिए नोट्स गाइड ठीक है, ये मेरे साथ का बढ़ती नहीं है, थोड़ा पुराना है ठीक है, ये बुक रामनिया समाथुरिया की मैथ की बुक, जो मैं आपको बोलता भी हूँ कि ठीक बुक आती है ये भी, और साथ में एक राकेश यादव की बुक भी आप ले सकते हो SSGD के लिए, वो भी अच्छी बुक आती है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग भी रहते हैं कि सर बुक कौन से ले। अब आपको चलिए एक और दिखाता हूँ आपको कमाल की चीज़, रोक लें, अब देखिए एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखिए बुक, इधर आ जा भाई दिखा दें, मतलब यहाँ पे जितने बंदे हैं सब पढ़ाई कर रहे हैं, एक भी बंदा नहीं, ये तेलुगु वाला बंदा है, मतलब ये तेलुगु लैंग्वेज है आपके समझ में नहीं आएगी, इलेश वैसे ये GK की बुक है, हमारे थोड़ी सी कम ही समझ में आएगी, ये तेलुगु में है, और ये देखिए इनकी बुक देखिए, और भी बहुत सारी बुक पड़ी है इनके पास में, देखें ये RRB की तैयारी कर रहे हैं, इसकी बुक है, मतलब हर एक बंदा किसी न किसी की तैयारी कर रहे हैं, इनको वापस में सेट कर देता हूँ जैसे था वैसे। अब आप तो ये सेकेंड ग्रेड टीचर के लिए है, 2016 की बुक है, इसके अलावा ये भी सेकेंड ग्रेड टीचर के लिए है ठीक है,
इसके बाद में ये मेरे पास में भी रामनिवास माथुरिया की गाइड है, मैं आपको बोला कई बार मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, एक राकेश यादव की भी सजेस्ट करता हूँ, रामनिवास माथुरिया की बुक है, ये मेरी बुक है, ये CPSI की बुक है, सॉल्ट पेपर मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आपके पास में सॉल्ट पेपर हमेशा होना चाहिए, ये और भी बुक है, लूसेंट की बुक उस दोस्त को दे रखी, ये हमारा लैपटॉप है ठीक है, ये इसका चार्जर है और ये हमारा बिस्तर है ठीक, और दिखाते हैं आपको अच्छे से। तो दोस्तों अब आ जाइए, ये मेरा बिस्तर है देख लीजिए, यहाँ पर लैपटॉप वैपटॉप की पूरी व्यवस्था करके एक आपको खास इंजीनियरिंग वाली चीज़ दिखाता हूँ, इधर थोड़ा सा मेरा दोस्त दिनेश बना रहा है वीडियो, ये देखिए बच्चों का टिफिन है, टिफिन का बना रखा है मैंने बोर्ड लैपटॉप को चार्ज लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ से बोर्ड थोड़ा सा दूर है, पास में बोर्ड है लेकिन वो थोड़ा सा दूर है, तो लैपटॉप चार्ज करने के लिए, ये आपके भाई ने इंजीनियरिंग की है तो देखिए इसका फ़ायदा उठाया है, बच्चों के टिफिन में 2 रुपये की 5 रुपये की क्लिप लगा के लगा दिया है, काम चल रहा है, लैपटॉप मेरा आसानी से चल जाता है, लैपटॉप के साथ आसानी से मैं काम कर पाता हूँ। अब आपको एक खास चीज़ें दिखाते हैं आपके लिए, आपके काम की चीज़ें दिखाते हैं, आपको निकालते हैं कुछ खजाना ठीक है, ये देखिए ये खजाना आपके काम की चीज़ें हैं, इसमें आपको दिखाता हूँ मैं इसमें क्या क्या है, ये देखिए। तो दोस्तों जैसे कई बार मैं जो फिजिकल की तैयारी करते हूँ दोस्तों को बोलता हूँ कि अंजीर रात को भिगो के खाना चाहिए, यह अंजीर ठीक है बहुत ही अच्छी एनर्जी देता है शरीर को, थकान बहुत कम होती है, अंजीर हमेशा खाना रात को भिगा के दो, अंजीर हमेशा भिगो के खानी है, इसको आप जानते हो कि किसमें से, ये भी आपको भिगा के आपको खाने रात को भिगा सकते हो, सुबह खा सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो, ये है खुरमानी ठीक है, ये भी अच्छी है सेहत के लिए, और इसको आप जानते ही हो बादाम, और ये किशमिश, ये भी किशमिश है जो काला वाला किशमिश होता है वो वाला किशमिश है, ये काला किशमिश, ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसको भी आप जानते होंगे ये है खजूर, इसको भी आपको रात को भिगो के खाओगे आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये खजूर है, और ये होता है दोस्तों ये मैग्नीशियम, मतलब शरीर में पूरा करने के लिए बहुत ही अच्छे ये बीज आते हैं, तो ये डाइट प्लान के लिए बहुत अच्छा है। अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन रहते हैं, आज पूरे कर देता हूँ आपको, इधर आ दिनेश, इधर आ जा मेरे यार, अब जो मेहनत करने वाले हैं जिनको बॉडी बनानी है उनके लिए भी देखिए, या या तो मतलब जिसको जिम करना होता है बॉडी बनाने का शौक होता है वो अपने पर्सनल ऐसे डंबल ले सकता है, और भी जैसे राड वाड़ भी यहाँ ले रखी है कुछ बच्चों ने, बच्चों ने क्या मतलब जवान साथी बच्चों बोलूँगा कुछ सीनियर भी है यहाँ पर, तो मतलब आप भी ले सकते हो, मतलब किसी भी प्रकार के मतलब आपको मतलब सब प्रकार के पढ़ने वाला चाहिए यहाँ पर, देखिए अभी बच्चे ये ड्यूटी गए हुए हैं जवान जो यहाँ पढ़ सकता है, कहीं पर किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं आपको दिख ही रहा होगा, कुछ अभी ग्राउंड में गए हुए हैं, तो मतलब पढ़ने वाला बंदा आराम से पढ़ सकता है दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। जो लोग मेरे से बार बार पूछते हैं कि सर कैसा रहता है, आप हम पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, तो देखिए बुक का खजाना ये मेरा, इसमें कुछ बुक और है वो उधर पड़ी है साइड में, और भी मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ और भी बंदा है पढ़ने वाला, उसकी भी बुक पड़ी है, उसकी बुक भी अगर आपको दिखाऊंगा, तो अभी थोड़ा सा उसका बिस्तर अच्छे से नहीं लग रखा, नहीं तो आपको और दिखाता, 3-4 बंदे हम यहाँ पर 10 बंदे हैं, उनमें से 7-8 बंदे पढ़ाई करते हैं ठीक है, अदर एग्ज़ाम के 1-2 बंदे दूसरी जॉब में चले भी गए हैं CPO में, और मैं भी CPO की तैयारी कर रहा हूँ, ये साल्ट पेपर है, और आपके लिए वीडियो भी बनाता रहता हूँ, तो उसमें इसी जो आपके जो वीडियो बनाता हूँ पहले उसकी डिटेल इसमें लिखता हूँ, टोटल उसकी पूरी जानकारी लिखता हूँ ठीक है इसमें, और ये देखिए मैथ के क्वेश्चन जो मैं हल करता हूँ, ये देखिए ठीक है इस प्रकार से हल करते हैं मैथ के क्वेश्चन जो मैं हल करता हूँ, या आपके लिए कोई भी जैसे ITBP का तो कोई भी वीडियो बनाता हूँ पहले उसके बारे में पूरा लिखता हूँ कि ये जानकारी दूंगा, ये चीज़ें दूंगा, कल वीडियो बनाने वाला हूँ उसके बारे में बता दूँ आपको, कल मैं CPSI का वीडियो बनाने वाला हूँ, ये पूरी डिटेल उसकी मैंने लिखी हुई है यहाँ पर किस प्रकार से पेपर होता है क्या होता है। तो दोस्तों पढ़ने वाला पढ़ सकता है, कहने का मतलब ये है, मस्त रहिए। अब बताइए वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए आपके भाई को। जय हिंद जय भारत।